नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। पुलिस लाइन में कराया गया परेड का संचालन। एसएसपी ने ग्रहण की सलामी। किया गया सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का टर्नआउट चेक। बता दें, एसएसपी द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सभी अधिकारी कर्मचारीगण को 1000 रुपए नगद और प्रशस्ति पत्र देकर किया जाएगा सम्मानित। फिरोजाबाद एसएसपी अशोक कुमार द्वारा शुक्रवार को पुलिस लाइन प्रांगण में परेड की सलामी ग्रहण की गई। परेड का संचालन क्षेत्राधिकारी सदर लाइन हीरालाल कन्नौजिया द्वारा किया गया। इसके बाद सलामी एसएसपी अशोक कुमार द्वारा परेड में उपस्थित समस्त अधिकारी कर्मचारी गढ़ का टर्नआउट चेक किया गया और पाई गई कमियों को दूर करने हेतु प्रतिसार निरीक्षक लाइन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तत्पश्चात पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में बलवा ड्रिल का अभ्यास किया गया, जिसमें आरक्षी, महिला आरक्षी से लेकर उप निरीक्षक, निरीक्षक, क्षेत्राधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक को टियर गैस गन, स्टन ग्रेनेड आदि से अभ्यास कराया गया और टियर गैस से लॉन्ग रेंज सेल फायर में क्षेत्राधिकारी सदर लाइन हीरालाल कन्नौजिया द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया गया। हैंड थ्रो स्टन ग्रेनेड में प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन देवेंद्र सिकरवार एवं हेड कांस्टेबल 351 ध्रुव प्रताप सिंह अकाउंट ब्रांच द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया गया। इसी क्रम में रबर बुलेट फायर में निरीक्षक भारत भूषण भाटी, अपराध शाखा प्रभारी निरीक्षक मटसेना विनय कुमार मिश्र और महिला कांस्टेबल 332 कनक वाजपेयी पेशी अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया गया। एसएसपी द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सभी अधिकारी और कर्मचारी गढ़ को 1000 रुपए नगद और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। फिरोजाबाद से शेखर यादव की रिपोर्ट। अभी बूढ़ी हड्डी में एकदम है। जी कौन जी दो बार लेकर 25 मिनट के ऊपर को जरा सा ऐसे कर दो तो पार कर देगा, ऐसे मारे बिल्कुल सीधा, जरा सा एक आप यहाँ गिराओ इस पे। देखना आप लोग ध्यान देना, ये इसको देख लीजिए भाई, इंस्पेक्टर साहब लोग कोई नहीं मार पाया। देखिए थोड़ा भी जल्दी हो गया ना तो सही। यस, देखिए कहाँ गिराया इन्होंने, देखा आप लोगों ने। यहाँ पे गिराया इन्होंने तो इसका आप हिला डुला दोगे तो पार कर जाएगा। अब आप रबर बुलेट दीजिए, फायर करें उसको। सामने कन्ना के दर सभी थाना अध्यक्ष बुलाए गए थे। किस तरीके की मोबिल थी और क्या पूरा मामला था,
ये सभी थानाध्यक्ष तो नहीं थे, हमारी शुक्रवार को परेड होती है तो हमारी में मतलब 20 थानों में बांट के 5-5 बुलाते हैं, पूरी परेड होती है। हमारा टारगेट आज का ये था कि हम अभी देखते हैं, बिकरू कांड हुआ था वहां पे हमारी पुलिस की जो व्यावसायिक दक्षता थी वो विवश करती है हमें सोचने पे। अभी एक दिन पेपर में आया था कि लोग स्टूल से अपना सिर बचा रहे थे, हमारा ये प्रयास है कि जो हमारी व्यावसायिक दक्षता है, हम सिपाही हैं, पुलिस के हैं, ट्रेंड हैं, हम लेमैन की तरह रिएक्ट ना करें कि पता लगा किसी ने पत्थर मारा सर फूट गया हमने ताबड़तोड़ गोली चला दी। हमारी यही ट्रेनिंग है कि मिनिमम यूज ऑफ फोर्स हो, अब मतलब मिनिमम कैजुअल्टी हो, तो हमने वो ड्रिल कराई है। मतलब महिलाएं भी आजकल तो काफ़ी अच्छी संख्या हो गई है, सबसे मैंने बुलेट रबर बुलेट चलवाए हैं और वो स्मोक जो ग्रेनेड है वो फेंकवाए हैं, बाकायदा लाइव कराया है और इसको मैं लगातार कराऊंगा। जितने भी फायर फाइटिंग अरेंजमेंट्स हैं उसका मुझे बिल्कुल यूज टू होना है, जिससे कभी जो आए दिन आप लोग निकालते रहते हो पेपर में कि वहां पे जान बचा के भागे, या होता है ये फैक्ट है किसी का सर फूट जाए तो आदमी बौखला जाता है। अब कब फूटता है, हेलमेट नहीं लगाए हैं, बॉडी प्रोटेक्टर नहीं लिए हैं, तो इसलिए मेरी एक मुहिम है कि हम इन लोगों को प्रोफेशनली एफिशिएंट करें पूरे।